प्रोग्राम था आज। गुरु चंपेश्वर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग द्वारा आयोजित एक फैक्ट ट्रेनर को बुलाया गया था, जो फैक्टशाला ट्रेनर है डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक। उन्होंने आज एक सेमिनार का आयोजन किया था, तो उन्होंने जो छात्रों को ये समझाया कि जो फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ को फैलाना कैसे रोका जा सकता है, फेक न्यूज़ के बारे में कैसे रिसर्च की जा सकती है, कैसे ये वेरीफाई किया जा सकता है कि कोई खबर सच्ची है या झूठी है, और ज़्यादा से ज़्यादा झूठी खबरों पर फॉरवर्ड्स ना किए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो झूठी खबरें हैं उनको रोका जाए। जैसे अगर हम खुद समझदार होंगे, हम जागरूक हो जाएंगे, तो अपने आप झूठी खबरें फैलनी कम हो जाएंगी। जब झूठी खबरें फैलनी कम हो जाएंगी तो समाज अपने आप एक अच्छी दिशा की तरफ चलेगा, जिससे समाज ताकतवर होगा, समृद्ध होगा, जागरूक होगा। यस, जैसा कि हम आज के समय में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो जहाँ भी हम देखते हैं लोग सबसे ज़्यादा, चाहे वो जवान हों चाहे वो बूढ़े हों, लगभग सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स और स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सभी लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का हिस्सा बन चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी कहीं ना कहीं एक सहभागिता बनती है कि वो फेक न्यूज़ को बस्ट करें, फेक न्यूज़ के खिलाफ एक अपना अभियान चलाएं और सच्ची खबरों को ही शेयर करें। तो मीडिया लिटरेसी और जो फैक्चुअल ट्रेनिंग थी, उसके तहत यही सब हमें सिखाया गया।